इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल जी जुड़े हुए हैं। ये धार्मिक भेदभाव को लेकर के धरने पर बैठे हैं विधानसभा के बाहर। मनीष जी, क्यों धरना पर बैठना? कि हजारीबाग की रामनवमी, हम सब जानते हैं कि ये विश्व विख्यात रामनवमी है, और इस बार कोविड के नाम पर फिर से, पिछले दो साल तक ये बंद रहा, समझ में आया कि स्थिति अच्छी नहीं थी, लोगों ने भी सहयोग किया, लेकिन इस बार सभी चीज़ें सामान्य, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने केवल जुलूस पर, मेला पर प्रतिबंध लगा के रखा है। तो हम लोग मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनको भी ज्ञापन हम लोगों ने दिया था। तो मेरा इतना ही कहना है कि भाई, चूँकि हिंदुओं के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र हजारीबाग, और हम कह सकते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर, पूरे प्रमंडल में इसको बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है, तो मेरा मांग है कि अगर आप इसको हटाएं पहले तो प्रतिबंध को, और अगर आप प्रतिबंध नहीं हटा सकते हैं तो विशेष अनुमति इसके लिए, रामनवमी के जुलूस के लिए आपको प्रदान करना चाहिए। मनीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। कल आपने सोशल मीडिया पर एक बाइट विजुअल भी देखा होगा, रुपेश के पिताजी बरही के जो विधायक हैं उमाशंकर अकेला जी, उनको पैसा लौटाने जाते हैं, और वो उन विधायक जी के द्वारा कहा जाता है आप राजनीति करने आए, जबकि उनका मांग है कि जो आरोपी है उसकी सिर्फ गिरफ्तारी करवा दें, हमें सहयोग राशि नहीं चाहिए। देखिए, दो बातें बड़ा स्पष्ट है कि रुपेश के परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, और रुपेश के माता पिता का कोई अब वंश नहीं है आगे, और उनकी जो स्थिति है आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है नहीं कि वो कोई राजनीति कर सके। ये तो उनके अंदर का दर्द है, वो गरीब आदमी है, 50,000 रुपये लौटाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं का सम्मान किया है। क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि माननीय विधायक जी जो है, जो जिन लोगों ने हत्या किया है उनके पक्ष में कुछ वहाँ पे कर रहे हैं, जिसको, जिससे ये लोग जो है, इनके, रुपेश के परिवार वाले लोग बहुत आहत हैं। यही मामला है सर, यही मामला है। अब माननीय विधायक जी को चाहिए कि वो प्रशासन से मांग करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं, कि जो नामजद 27 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, अगर कोई निर्दोष है तो वो अपने आप जांच के दायरे से बाहर होगा। तो ये विधायक मनीष जायसवाल जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले तो वो जुलूस जो निकलता है रामनवमी का, उसका परमिशन दे। साथ ही रुपेश मामले में कहा कि परिजन इंसाफ चाहते हैं और सरकार उन्हें इंसाफ दे, इसके लिए वो दर दर भटक रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची।